ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के मधुबन से साकार मधुर मुरली है। 19 अक्टूबर 2022 आज प्यारे बाबा ने स्मृति दिलाई कि बाबा आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने, घुटके अर्थात सब दुख, सब बंधन, सर्व तकलीफों से, सर्व विघ्नों से छुड़ाने। बाबा कहे, तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। आज बाबा ने सावधानी देते हुए कहा कि बच्चे याद में विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में शोरगुल का विघ्न पड़ता है, लेकिन याद में माया के विघ्न पड़ते हैं। याद में माया अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प लाती है। इसलिए कहा, शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत प्यार से याद करना है। याद की तीखी दौड़े लगाओ, क्योंकि यह बुद्धि योग की यात्रा है। इसलिए लिखा है, मन मना भव, मन को मुझ एक बाप में लगाओ। फिर बाबा ने याद की यात्रा का बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया। बाबा कहे, तुम्हारी याद की यात्रा अभी पुल बन रही है। जिस याद के पुल से तुम विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हो, शिवालय में चले जाते हो। फिर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ नहीं करेगा। फिर कहा, बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, सदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यह अलंकार तुम ही धारण करते हो। और कहा, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य विस्तार से। आज खिवैया बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। आज मुरली से प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? बाबा कहे, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है, लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का गुस्सा मत खाओ। शिव बाबा तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद में तीखी दौड़ी लगाओ। आज मुरली में गीत बजा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, आज प्यारे बाप दादा का वरदान है, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने स्पष्ट किया, प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है, इसी लूज स्क्रू को टाइट करो, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को गुड मॉर्निंग याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।